Hello students, welcome to Physics for Exam class. In today's lecture, we will derive the relation between Y, Young modulus, sigma, Poisson's ratio, nu, modulus of rigidity. So before going to the derivation, we should remind some terms which will be very useful for deriving the relation. So first you see the points to remember. तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हमने मान लिया इसका साइड है एल, तो हर साइड जो एल होगा, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, तो उसका डायगोनल कितना होगा. तो हम ये इसको मान लिया ए बी सी, एक ट्राइंगल मान लिया स्क्वायर से, तो पाइथागोरस लगाएगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी इज एल एल, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ए सी इज इक्वल टू एल रूट टू, क्योंकि ये होगा टू एल स्क्वायर. तो ये ए सी है डायगोनल ऑफ स्क्वायर. फिर नंबर टू में है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुका है, शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट प्लेन. सो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. फिर हमने पढ़ा था शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग इज जब किसी भी चीज को हम टेंजेंशियल फोर्स लगाता है और एक साइड को फिक्स करके रखता है एक प्लेन को, तब वो क्या करता है, शिफ्ट करता है, तो उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, जो टेंजेंशियल लगाता है. सो ये टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल मींस अलोंग द सरफेस, परपेंडिकुलर डायरेक्ट ठीक कोना में. न्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, जो कि मैंने पहले लेक्चर में डिसाइड कर चुका है. फिर हमारा सिग्मा पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. Young modulus is equal to longitudinal stress by longitudinal strain. Why? Lateral strain is equal to compression by original length. And last is longitudinal strain is equal to extension by original length. तो ये सब फॉर्मूला आपको पहले मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाया है, तो उसको देख लो. तो आप आते हैं हमारा रिलेशन बिटवीन y sigma n न्यू को कैसे डिराइव करना है. तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होगा, डायग्राम. तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं डायग्राम कैसे बनाना है. सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करिए और उसका पूरा डायगोनल, दोनों का डायगोनल बना लीजिए. फिर जब यहां पे टेंशन फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स एफ लगेगा, तो ये कुछ अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा, शेयर हो जाएगा. तो यहां से मैंने रेड वाला बनाया है डायग्राम में, रेड विजिबल, हल्का सा विजिबल है, रेड वाला बनाया है. तो ये भी यहां पे शिफ्ट हो जाएगा. फिर इसे ज्वाइन कर लीजिए, तो ये क्या होगा, यहां पे एंगल फाइ होगा और इधर भी सेम एंगल से शेयर करेगा. फिर क्या करना है, ये ओरिजिनल डायग्राम तो बनाए, इसको फिर यहां पे आपको ज्वाइन करना होगा और इसको यहां पे ज्वाइन करना होगा. फिर ये होगा ए ए डैश, बी बी डैश, सी डी. तो ये हमारा डायग्राम कैसे बनाना है, बेसिक वाला इंफॉर्मेशन. तो आप वर्डिंग में कैसे लिखना है, लेट ए टेंजेंशियल फोर्स बी अप्लाइड अलोंग द टॉप सरफेस ऑफ ए क्यूब विथ इट्स बॉटम सरफेस फिक्स. तो आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है एक क्यूब में जिसका बॉटम जो फिक्स्ड है, तो एज ए रिजल्ट क्यूब इज शेयर्ड बाय एंगल फाइ. तो जिसका वजह से क्यूब जो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ओरिजिनल पोजीशन ये था और यहां तक चला गया, तो कितना एंगल बनाया, एंगल फाइ. तो उसे शेयर कहते हैं जब वो शिफ्ट हो जाता है. लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, जैसा कि क्यूब का हर साइड इक्वल होता है, तो हमने माना क्यूब का साइड का जो लेंथ है वो है कैपिटल एल.
और डायग्राम में देखिए हमारा ए ए डैश को एल माना है, तो अगर ये एल होगा तो ये भी इक्वल अमाउंट में ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है। सिमिलरली बी बी डैश इज इक्वल टू एल। अब है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, जैसे कि ऊपर में मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दे के रखा है, शेयरिंग स्ट्रेन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, तो पहले प्लेन, ये प्लेन जो यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ है, ये प्लेन है ना, इतना शिफ्ट हुआ है। ओरिजिनली प्लेन यहां था, इतना शिफ्ट हुआ है यहां पे, और इधर पे ओरिजिनली इधर था, इतना शिफ्ट हुआ। तो कितना अमाउंट हुआ, स्मॉल एल, ये प्लेन जो यहां तक गया है, तो कितना डिस्टेंस एल, तो अब इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट प्लेन। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट वाला जो कि फिक्स्ड है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल एल। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। अब दूसरा है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन हो गया, आप शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स मेरा एफ है और एरिया क्या होगा मेरा एल स्क्वायर, क्योंकि मेरा साइड का लेंथ है कैपिटल एल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब फिर अब लिखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब लिखेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो मेरा शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, नीचे क्या होगा, स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस के वजह से टेंशन टी प्रोड्यूस हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेन होगा फाइव। तो इसे देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। और ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेस कैपिटल टी, और ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन फाइव। तो मुझे यहां पे सिंपल यूज करना चाहिए, तो अब मैं ब्रैकेट में दे रहा हूं, ये फाइव शेयरिंग स्ट्रेन और ये टी है शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम करेंगे कुछ एज्यूम करना होगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, पर यूनिट स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल हम एक्सटेंशन में यूज करते हैं, लेटरल हम कॉम्प्रेशन में यूज करते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, मींस स्ट्रेस का वैल्यू वन होगा, इसलिए यूनिट होता है। तो डायग्राम जो कि ऑलरेडी आप लिख के रखा होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक्सटेंशन अब लिखेंगे एक्सटेंशन, क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह नहीं तो मुझे बिठाना पड़ा, एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल
dB due to extensive stress along it. तो जो मेरा डायगोनल जैसे कि आप फिगर में देखेगा, मैं ग्राफ फिर से बना लेता हूं यहां पे. तो ये था ए बी सी डी, ये डी है, ये बी है. तो ये डायगोनल जो यहां से बढ़के लंबा हो रहा है, पहले ये डी बी से एक्सटेंड होके इनिशियल डायगोनल से लंबा हो रहा है. तो लिखा है एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल डी बी. ये डी बी जो बड़ा होके क्या बन रहा है, डी बी डैश बन रहा है ड्यू टू एक्सटेंसिव स्ट्रेस अलोंग इट. तो जब इसमें स्ट्रेस लगाया, पूरा फोर्स लगाया, तो क्या होगा, वो लंबा हो गया, एक्सटेंशन स्ट्रेस अलोंग इट. तो सबसे पहले जिस डायगोनल का एक्सटेंशन हो रहा है उसे लिखेगा. इसको लिखने का तरीका ऐसा है, पहले तो डायगोनल को लिखेगा, वो क्यों क्यों एक्सटेंड कर रहा है, ड्यू टू हियरिंग स्ट्रेस. तो टी लगाएगा और इसमें लेंथ बढ़ रहा है तो हम लगाएंगे अल्फा. इसको लिखने का तरीका फिर से देखिए, जिस डायगोनल की तरफ जा रहा है डी बी, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है और शेयरिंग स्ट्रेस टी का वजह से हो रहा है, और लिखेगा इनटू अल्फा. अल्फा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. तो यहां पे बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो अल्फा, घटेगा तो बीटा लिखेगा. तो ये डी बी क्या होगा, एल रूट टू, जो कि मैंने पॉजिटिव में बता दिया था. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर होगा ये. तो ये होगा ए ए डैश सी. तो फिर होगा एक्सटेंशन अलोंग डायगोनल डी बी ड्यू टू कंप्रेशन अलोंग एसी. तो इसको बोलने का मतलब है कि जो ये डायगोनल एक दूसरा कारण से भी एक्सटेंड होगा, जब इसको पुश करेगा तो ये डायगोनल लंबा होगा, एसी जो लंबा है वो छोटा हो जाएगा, ए डैश सी. तो कंप्रेस हो रहा है ये डायगोनल, जो जब यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, तो ये डायगोनल जो इससे लंबा है ना, ओरिजिनल वाला एसी, और ए डैश सी में कौन सा लंबा है, एसी है. तो ए से ए डैश सी में जा रहा है, तो एसी जो ए डैश सी बन रहा है तो कंप्रेस हो रहा है, तो जिसका वजह से भी इसका डायगोनल बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसा जा रहा है. तो इसका फॉर्मूला लिखेगा, क्योंकि डायगोनल आप बी डी बी का बात कर रहे हैं तो डी बी लिखेगा, और शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से वो आगे बढ़ रहा है तो टी, और साथ ही साथ आप लिखेगा बीटा, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है एसी का साइड, इस साइड कॉम्प्रेशन हो रहा है तो बीटा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव. अब यहां लिखेगा टोटल एक्सटेंशन अलोंग डीबी. लिखेगा टोटल एक्सटेंशन अलोंग डीबी क्या होगा, टोटल ये दोनों को प्लस करेगा एल रूट टू, क्योंकि पहला एक्सटेंशन जो कॉम एक्सटेंसिव स्ट्रेस का वजह से, जो स्ट्रेस लगाया था उसका वजह से, दूसरा जो एसी का कंप्रेशन का वजह से हुआ है, प्लस एल रूट टू. ये होगा मेरा एल रूट टू, यहां पे आपको देना होगा एल रूट टू टी बीटा. तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फाइव. तो एल रूट टू टी को कॉमन ले लेगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा. क्वेश्चन नंबर होगा ये सिक्स. आपको मिल गया टोटल एक्सटेंशन अलोंग डी बी.
extension strain along, आगे था stress, अभी strain लिख रहा है, along DB equal to total extension divided by original length, total extension divided by original length. मैंने यहाँ पे ये formula use किया है. Lateral strain equal to compression by original, oh sorry, longitudinal strain equal to extension by original length. तो यहाँ पे longitudinal strain का मतलब क्या लिखा है? Extension strain along DB. और यहाँ पे extension means totally वो कितना बड़ा है? तो total extension, overall कितना बड़ा है? Divided by original length. तो total कितना बड़ा है? L root 2 T alpha plus beta whole divided by L root 2. क्योंकि original length diagonal अंदर क्या है? L root 2. तो ये दोनों कैसे राब हो जाएगा? तो हमको मिलेगा T alpha plus beta. ये question number हो गया 7. तो अब फिर होगा compressive लिख देता हूँ. Compressive strain along AC. AC का तरफ पे compression हो रहा है जो कि equal होगा T alpha plus beta equation number A. अब यहाँ पे similarly लिख सकते हैं. Similarly compressive strain along AC. क्योंकि ये जितना यहाँ निकलेगा उतना ही उसको यहाँ दबना पड़ेगा तो ही इक्वल मिल जाएगा. जितना यहाँ निकलेगा उतना ही यहाँ कंप्रेस होगा. जितना एक्सटेंड होगा उतना ही कंप्रेस होगा तो इक्वल अमाउंट में जाएगा. इसलिए ये सेम होगा. अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकता है. तो ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेन. अब इसको क्या करेगा? शेयरिंग शेयरिंग स्ट्रेन लिखेंगे फाइव. शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? अभी पहला देखिए डायग्राम को देखो. ये है फाइव और ये भी है फाइव. तो यहां पे किसका वजह से शेयर हुआ है? कंप्रेशन का वजह से एंगल कुछ बना है, शेयर एंगल. और यहां पे एक्सटेंशन का वजह से बना है. यहाँ कंप्रेशन कहाँ हो रहा था? अलोंग एसी हो रहा था. एसी जो छोटा हो गया एनएससी बना है. और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था डीबी. डीबी जो बड़ा हो गया डीबी डैश बना है. तो क्या लिखेगा? इक्वल टू एक्सटेंशन अलोंग डीबी प्लस ये जो इससे आगे लिखा था कंप्रेशन स्ट्रेन अलोंग यही ये पर स्ट्रेन एक्सटेंशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन अलोंग डीबी प्लस कंप्रेशन स्ट्रेन अलोंग एसी. तो दोनों का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है 7 8. तो दोनों को प्लस करो. टी अल्फा प्लस बीटा प्लस टी अल्फा प्लस बीटा. तो ये होगा 2t अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर 9. हमारा ऑलमोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है. इक्वेशन नंबर 9 ये. तो इसे हम कहां पे डालेंगे? इक्वेशन नंबर 3 पे डालेंगे. अब लिख रहा हूं मैं थिंग 9 इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 था हमारा टी बाय 5. तो टी है ऑलरेडी और 5 का वैल्यू डालेगा हम 2t अल्फा प्लस बीटा. तो ये टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/2 अल्फा प्लस बीटा. फिलहाल हमारे पास अभी तक रिलेशन नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे? इसको दोनों ऊपर और नीचे को अल्फा से डिवाइड करेगा. तो 1/α होल डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बाय अल्फा बीटा बाय
alpha. तो इससे क्या मिलेगा आपको? 1 by alpha 2 1 plus beta by alpha. तो ये हो गया. तो आगे जाने से पहले एक चीज देख लो. अब इसका बदले हम क्या लिख रहा है? सेम यहां से इधर आ जाएगा. New is equal to y 2 1 plus sigma. अब क्यों y लिखे और क्यों sigma लिखे? रीजन साइड में देखो. अब अल्फा को क्या बना था? अल्फा को क्या बना था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ पर के बना था. स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस. और बीटा को बना था लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस माना था. तो हमको यहां पे बीटा बाय अल्फा चाहिए. तो हम क्या करेगा? इसको डिवाइड करा देगा. लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस पर यूनिट. दोनों का वैल्यू सेम होगा, मान होगा क्योंकि. तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस. तो ये स्ट्रेस स्ट्रेस क्योंकि सेम वैल्यू है या वन में आप काट भी सकते हैं, एरर कर सकते हैं, तो काट देगा. तो क्या बनेगा? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो इसके लेटरल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? अब यहां पे वैल्यू डाला. ये है बीटा का वैल्यू और ये है अल्फा का वैल्यू. तो दोनों को डिवाइड कर दिया. तो इससे ये मिला दोनों नीचे का क्योंकि यूनिट था तो कैंसिल हो गया. तो लेटरल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? पॉइजन रेशियो सिग्मा. तो हम बीटा बाय अल्फा का बदले लिख सकता है सिग्मा लिख सकता है. तो इसलिए लिखा सिग्मा. और दूसरा वाला y के लिए क्या लिखा है? यंग मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. y होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. लेकिन हमारा अल्फा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस. तो इसका उल्टा है कि नहीं? यहां पे स्ट्रेस नीचे है, यहां पे ऊपर है. यहां पे स्ट्रेन ऊपर है, यहां पे नीचे है. ये बेसिकली क्या है? डिवाइड है ना, बाय डिवाइड है ना. तो ये बेसिकली क्या है? इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है. क्योंकि ऊपर में स्ट्रेस है या नीचे है, या नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या ऊपर है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय अल्फा. इसलिए हमने यहां पे डाला 1 बाय अल्फा. तो इसको आप और फर्दर, ये फाइनल हो गया. फर्दर और लिखना चाहता है तो एग्जाम में ऐसा भी आता है 2 न्यू 1 प्लस सिग्मा. तो ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रैक्टिस करना और